بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल से पुख्ता वादा ले लिया और उनके अंदर 12 सरदार मुकर्रर कर दिए और अल्लाह ने कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम नमाज कायम करते रहो, ज़कात अदा करते रहो, मेरे रसूलों के साथ ईमान लाते रहो और मेरे रसूलों की मदद करने वाले बन जाओ और अल्लाह ताला को अच्छा कर्ज देते रहो तो फिर मैं तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दूंगा और तुम्हें ऐसी जन्नत में दाखिल करूंगा जिसके नीचे नहरें चलती हैं। और जिसने इस वादे के बाद भी कुफर कर लिया, यकीनन वो सीधे रास्ते से गुमराह हो गया, भटक गया। सदकल्लाहुल अजीम। हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाकीज़ा बाबरकत ज़ात के लिए। दुरूद व सलाम पैगंबर कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पाकीज़ा मुतहर ज़ात पर। अलामाते क़यामत में से आज उन बड़ी अलामतों की के तज़किरे का आगाज़ करना चाहते हैं कि जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बड़ी अलामतें बयान फरमाई हैं वो तकरीबन 10 अलामत हैं और ये 10 की 10 अलामतें इस कदर एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, इस कदर जल्दी के साथ पै दर पै ये वाक़े होंगी। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस तरह एक हार का धागा टूट जाए और हार के दाने उसके मोती जिस अंदाज से जल्दी जल्दी घिरते हैं ना, ये निशानियां इस तरह क़यामत की पूरी होंगी। कुछ अलामात की तरतीब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से मिलती है लेकिन कुछ अलामात की तरतीब का हमें अंदाज़ा नहीं। ईमान है, यकीन है कि वो वाकई होंगी क्योंकि पैगंबर कायनात अलैहिस्सलाम की ज़ुबान अतर से ये अल्फाज निकले हैं।
आज जिस बड़ी अलामत का तज़किरा करना चाहता हूँ वो जनाब इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनका ज़ुहूर है, उनका खुरूज है। इमाम महदी के बारे में मुसलमानों के अंदर दो नज़रियात पाए जाते हैं। एक वो नज़रिया है जो अहले तशी के यहाँ है और एक वो नज़रिया जो अहले सुन्नत के यहाँ, अहले हदीस, देवबंद, बरेलवी, दीगर मकातिब फ़िक्र के नज़दीक। अहले तशी के यहाँ मुहम्मद बिन हसन अस्करी, इसके बारे में उनका एक बारवां इमाम है, उसके बारे में उनका अकीदा ये है कि ये 5 साल की उम्र में सामरा के इलाके में एक गार के अंदर छुप गया था और अभी तक उस गार से इसका ज़हूर नहीं हुआ। क़ुर्बे क़ियामत इसका ज़हूर होगा और फिर इसके हाथ से अल्लाह ताला फतह अता फरमाएगा और पूरी कायनात पे, पूरी दुनिया पे हमारा गलबा होगा। लेकिन जिस महदी का तज़किरा हम करना चाहते हैं ये एक अलग से शख्सियत है जिसका ज़िक्र, जिसकी पेशगोई रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतर से उम्मत को मिली है। इसीलिए अमूमन ये तसव्वुर पाया जाता है लोगों के यहाँ के इमाम महदी अलैहिस्सलाम कहा जाता है, जबकि अलैहिस्सलाम कहने में हर्ज नहीं है, गुनाह नहीं हो जाता। लेकिन जिस नज़रिए के साथ अलैहिस्सलाम कहा जाता है ना, वो नज़रिया गलत है। ये अहले तशी अपने इमाम, जिस बारहवें इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसको इमाम मुंतज़र भी कहते हैं, महदी अल मुंतज़र भी कहा जाता है, और इस इमाम के नाम पे उनके बहुत सारे इदारे भी हैं, जामिया इमाम अल मुंतज़र, जामिया महदी अल मुंतज़र, बहुत बड़े इदारे भी इस तरह के। वो अलैहिस्सलाम कहते हैं तो अलैहिस्सलाम कहने का मतलब उनका ये होता है कि इमामत का मनसब नबुव्वत से बड़ा है, जबकि हम इस बात को नबुव्वत की गुस्ताखी तसव्वुर करते हैं कि किसी इमाम को, किसी गैर नबी को नबी से ज़्यादा रुतबा दे देना, नबी से ज़्यादा मुकाम देना। किताब सुन्नत की रोशनी में ये पैगंबर के अदब के ख़िलाफ़ है और अकीदा रिसालत की तोहीन है। इसलिए इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो कह सकते हैं, इसकी एक तौजीह मुहद्दिसीन ने ये बयान की है कि इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उनका ज़ुहूर होगा तो उस वक़्त जनाब ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, अल्लाह के रसूल हैं, रब के नबी हैं। तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इनको कुछ अरसा गुजारने का वक़्त मिलेगा, इसलिए शर्फ़ सहाबियत, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की सहाबी होने का शर्फ़ इन्हें मिल जाएगा। तो रज़ी अल्लाह चूँकि सहाबी के लिए कहा जाता है इसलिए इनको रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह सकते हैं। क़ुरान मजीद के अंदर जनाब महदी का मुकम्मल तौर पे और साफ अल्फाज में कोई तज़किरा नहीं मिलता। दो आयात ऐसी हैं जहाँ से इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने यह बयान किया है कि इन दो आयात में इशारा मिलता है कि जनाब महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आएंगे। पहली आयत यह है मन अज़लम मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह अन युज़्कर फ़ी हस्मुहु युसब्बिहु लहु अन युज़्कर फ़ी हस्मुहु। वो लोग, वो इंसान कितना बड़ा ज़ालिम है जो अल्लाह के घर से लोगों को रोकता है कि अल्लाह के घर के अंदर अल्लाह का जिक्र किया जाए। वसाफ़ी खराबिया, और उस अल्लाह के घर को ख़राब करने की कोशिश करता है।
इस आयत के आखिर में अल्लाह फरमाती हैं लहुम फिद दुनिया खिज़्युन वलहुम फिल आखिरत अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए दुनिया के अंदर रुसवाई है, दुनिया के अंदर ज़िल्लत है और क़यामत वाले दिन उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब होगा। जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, उनके शागिर्द जनाब इकरमा और जनाब सुदी बिन सगीर और जनाब वायल बिन दाऊद, ये सब के सब उम्मत के अंदर मुफस्सरीन गुजरे हैं। ये बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने जो ये कहा ना कि अल्लाह के घर से रोकने वालों के लिए दुनिया के अंदर बड़ा सख्त अजाब होगा, जिल्लत होगी और क़यामत वाले दिन बड़ा अजाब होगा, ये जो दुनिया के अंदर जिल्लत का अल्लाह ने तज़किरा किया है, इससे मुराद इमाम महदी हैं कि इमाम महदी आएंगे और इन लोगों को वो कत्ल करेंगे, इनको सजाएं देंगे, ये उनके लिए दुनिया की जिल्लत है। और इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इसी तरह एक नुक्ता, एक इशारा बयान किया सूरह अल-माईदा के अंदर, जो आयत मैंने अभी खुतबे के अंदर पढ़ी है, वलकद अखज़ल्लाहु मीसाक़ा बनी इसराइल वबअसना मिनहुम उस्नै आशर नक़ीबा, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से पुख्ता वादा लिया अपनी इबादत का और उनके अंदर 12 सरदार मुकर्रर कर दिए। एक मौके पर पैगम्बर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, आपने फरमाया उस वक़्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक कुरैश में से 12 खलीफा अल्लाह ताला मुकर्रर नहीं कर देगा। कुरैश में से 12 खलीफा हकूमत करेंगे दुनिया पर, खिलाफत उनको मिलेगी और क़यामत से पहले पहले ये 12 की तादाद पूरी होगी। इनमें से मुहद्दिसीन कहते हैं कि 12वें खलीफा इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो होंगे। तो चूंकि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के 12 नकीब 12 सरदार मुकर्रर किए थे, तो कुरैश में से भी अल्लाह ताला 12 खलीफा मुकर्रर करेगा। इमाम महदी के आने का जो आने की पेशगोई, ये एक अकीदा है, कोई मसला नहीं है। मसले के अंदर तसाहुल हो सकता है लेकिन याद रखें अकीदे के अंदर तसाहुल नहीं हो सकता। अकीदे अकीदे में कमज़ोरी, अकीदे में सुस्ती, अकीदे में बेयकीनी अल्लाह ताला के हाँ ये नाकाबिले कबूल है। अमल की कोताही अल्लाह ताला माफ़ कर देता है लेकिन अकीदे की कोताही अल्लाह के हाँ काबे माफ़ी नहीं। इस पे मरने से पहले पहले सच्ची तौबा करके अपने अकीदे को पुख्ता करना पड़ेगा, वरना इसके बगैर अल्लाह के हाँ इसकी माफ़ी नहीं हो सकती। तो इमाम महदी का आना ये एक अकीदा है। सफारीनी बयान करते हैं कद कसरत रवायातो बेखरूजिल महदी हत्ता बालागत हद्दल मुतवातिरिल मानवी मुदव्वनुन फी अकाइद अहलिस सुन्नत वल जमा, कहते हैं कि इमाम महदी के बारे में रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं वो इस कदर ज़्यादा है, इस कदर ज़्यादा है कि मुतवातर की हद तक पहुँच रही हैं। ये मुतवातर क्या होता है? हदीस के अकसाम में से ना एक किस्म है, इसको मुतवातर कहा जाता है। हदीस मुतवातर उस हदीस को कहते हैं कि हर तबके के अंदर जिसको बयान करने वाले इतने ज़्यादा लोग हों, इतने ज़्यादा लोग हों कि इंसान उनके बारे में ये तसव्वुर ना कर सके कि इन्होंने मिल बैठ के झूठ बना लिया है, इस कदर ज़्यादा लोग उसको बयान करते हों। सहाबा इकराम उनकी एक बड़ी जमात बयान करने वाली हो, ताबेईन एक बड़ी जमात बयान करने वाली हो, तबाए ताबेईन एक बहुत बड़ी जमात उस हदीस को बयान करने वाली हो, मुहद्दिसीन एक बहुत बड़ी जमात बयान करने वाली हो, हर तबके के अंदर उसको बयान करने वाले, उस रिवायत को नकल करने वाले बहुत ज़्यादा तादाद में हों, इसको मुतवातर हदीस कहा जाता है। इमाम महदी के बारे में जितनी रवायात मिलती है ना, इन तमाम रवायात को इकट्ठा किया जाए तो ये मुतवातर की हद तक पहुंच जाती है। और अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को जो अकीदा दिया है उस अकीदे के अंदर ये भी शामिल है कि इमाम महदी आएंगे इंशाअल्लाह।
इमाम महदी के बारे में रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, जनाब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, लौ लम यबका मिन दहरी इल्ला यौम लतव्वल अल्लाहु ज़ालिकल यौम हत्ता युबअस फीहि रजुलुम मिन अहले बैती युवाति इस्मुहु इस्मी व इस्मु अबीहि इस्मा अबी। पैगंबर कायनात अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर पूरी दुनिया के ख़त्म होने में सिर्फ एक दिन बाकी रह जाए, एक दिन बाकी रह जाए, उसके बाद क़यामत आने वाली है, तो अल्लाह ताला इस एक दिन को भी इतना लंबा कर देगा कि इस एक दिन के अंदर अल्लाह ताला मेरे अहले बैत में से, मेरे घराने में से, मेरे ख़ानदान में से, मेरी औलाद में से अल्लाह एक आदमी ज़रूर भेजेगा जिसका नाम मेरे नाम जैसा होगा और जिसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम जैसा होगा। तो यहां से मुहद्दिसीन ये कहते हैं कि जिस आदमी के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ना, अल्लाह उस बंदे को भेजेगा, उसका नाम मेरे नाम जैसा होगा, ये इमाम महदी के बारे में कहा है कि इमाम महदी का नाम मुहम्मद भी होगा और अहमद भी होगा और बाप का नाम अब्दुल्ला होगा। और इमाम सुयूती बयान करते हैं कि आपकी वालिदा का नाम आमिना होगा। अगरचे इसके बारे में मुझे कोई हदीस नहीं मिली कि आपकी वालिदा के नाम के बारे में रसूलुल्लाह ने बयान किया हो, मुहद्दिसीन के अक़वाल मिलते हैं कि माँ का नाम भी रसूलुल्लाह की माँ जैसा होगा, बाप के नाम के बारे में तो सराहत आ गई। एक दूसरी हदीस मैं आपके सामने पेश करता हूँ, यह अबू दाऊद की 4383 नंबर रिवायत है। पैगंबर कायनात अलैहिस्सलाम बयान करते अबू सईद अल खुदरी रजी अल्लाह ताला इस हदीस के रावी हैं, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا ثم يخرج من عترتي أو من أهل بيتي يملؤها قسطا وعدلا كما مليت ظلما وعدوانا। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क़यामत से पहले पहले ये पूरी ज़मीन, पूरी दुनिया ज़ुल्म, ज़्यादती, कत्लो गारत, फितने फसाद से भर जाएगी। इस कदर कत्लो गारत होगी, इस कदर फितने फैलेंगे, इस कदर ज़ुल्म होगा कि इससे पहले लोगों ने ज़ुल्म की ये मिसालें देखी नहीं होगी। पूरी ज़मीन भर चुकी होगी। फिर अल्लाह ताला मेरी औलाद में से, मेरे अहले बैत में से अल्लाह एक आदमी को उठाएगा जिस तरह पूरी कायनात जुल्म और नाइंसाफी से भर चुकी होगी ना पूरी दुनिया, ये मेरे ख़ानदान का बंदा जो आएगा पूरी दुनिया को अदल इंसाफ से और बरकतों से भर देगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर इसके दौर में ख़जाने उगेंगे, आसमान से बारिशें नाजिल होंगी, खुशहाली का दौर आएगा, बरकतें होंगी, अदल इंसाफ का दौर दौरा होगा, जुल्म का नामो निशान मिट जाएगा। इसके बारे में रसूलुल्लाह की हदीस को अगर जमा किया जाए तो इमाम महदी का अरसा खिलाफत कम से कम 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 9 साल है, यानी कि 5 साल से लेकर तकरीबन 9 साल तक की रिवायात मिलती है। तो पता यह चलता है कि इमाम महदी का अरसा खिलाफत तकरीबन 9 साल होगा। एक तीसरी हदीस आपके सामने बयान करता हूं, मुस्तदरक के हाकिम की रिवायत है और सुन्नह अबी दाऊद की रिवायत है। यह रिवायत में अबू सईद अल खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي مني اجل الجبهة اقنى الانف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما مليت ظلما وجورا। फरमाया अल्लाह ताला मेरे ख़ानदान में से महदी नाम का एक बंदा भेजेगा और उसका काम क्या होगा, पूरी ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देगा,
जिस तरह पूरी ज़मीन जुल्म और ज्यादती से भरी होगी, उसकी पेशानी चौड़ी होगी, रोशन पेशानी होगी, और नाक सतवा नाक जिसको कहते हैं ऊंची नाक वाला, नाक उसकी ऊंची होगी, पेशानी उसकी कुशादा होगी। ये दोनों चीज़ें जो है ना, नाक का ऊंचा होना, पेशानी का कुशादा होना, ये इंसान के खूबसूरत होने की अलामत होती है कि बहुत खूबसूरत इंसान होगा। तीसरी हदीस जनाब उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला बयान करती है, قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من بني هاشم فياتي مكة فيستخرجه الناس من بيته بين الركن والمقام فيجهز إليه جيش من الشام حتى إذا كانوا ببيداء यक्स खस खुसिफा बिहिम फयाती असाइबुल अराक वाबदालुश्शाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस मजमा उज़वायत में मौजूद है। उम्मे सलमा बयान करती हैं कि अल्लाह ताला एक वक्त ऐसा लेके आएगा कि मदीने के अंदर एक खलीफा फौत होगा और उसकी मौत के बाद इख्तलाफ पैदा हो जाएगा। ये खलीफा फौत हो गया, अब लोगों में इख्तलाफ पैदा हो गया कि खलीफा किसको बनाएंगे। महदी इन दिनों में, इमाम महदी इन दिनों में मदीना के अंदर मौजूद होंगे। आप मदीना के अंदर छुपते छुपाते मक्का पहुंच जाएंगे कि लोग कहीं मुझे खलीफा ना बना दें। आज हमारे यहां तो ये रिवाज होता है ना, हम मिनते तरले फुफियां ताइयां नानियां चाचियां सारियां ढो के बुवे ते वोट मांगने कि मैनू जनाब एमपी एमएनए बना छोड़ो। लेकिन इस्लाम का ये शियार है, इस्लाम का ये तकाजा है, दीन की ये खसूसियत है। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया जो किसी ओहदे का तालब है ना उसको कभी ओहदा ना देना। बल्कि नबी अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी आ गए अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। अबू मूसा अशअरी साथ लेके आए, सहाबी उनके साथ है, कहते मैं अल्लाह के रसूल से मुलाकात करना चाहता हूँ, मेरे साथ चलो। जनाब अबू मूसा साथ लेके आ गए। उसने आके पैगंबर कायनात से कहा अल्लाह के रसूल मुझे किसी इलाके का गवर्नर बना दें। पैगंबर कायनात को बड़ा गुस्सा आया, आपने अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि अबू मूसा तुम इसको इसलिए मेरे पास लेके आए हो। अबू मूसा कहते हैं अल्लाह के रसूल अल्लाह की कसम इसने मुझे अपने आने का मकसद नहीं बताया था, इसने मुलाकात का कहा था कि मैं अल्लाह के रसूल से मुलाकात करना चाहता हूँ। तो पैगंबर कायनात ने उस वक्त ये कहा था कि जो बंदा हमसे ओहदा मांगता है ना हम उसको ओहदा नहीं देते। एक इलाका था जहाँ पे गवर्नर मुकर्रर करना था, अल्लाह के रसूल ने इस मांगने वाले को मुकर्रर नहीं किया, साथ आने वाले अबू मूसा से कहा कि जाओ तुम फलां इलाके के गवर्नर हो। इमाम महदी जब मदीने के अंदर इख्तलाफ पैदा होगा ना, लोग खलीफा के लिए झगड़ा करेंगे, इसको खलीफा बनाओ, इसको बनाओ, इसको बनाओ। इमाम महदी छुपते हुए वहां से मक्का पहुंचेंगे और अपने घर में जाके पनाह ले लेंगे। एक रिवायत ये मिलती है और दूसरी रिवायत ये कि खाना काबा में जाके पनाह ले लेंगे कि ताकि लोग मुझे पहचान ना लें और लोग मुझे खलीफा ना बना दें। लोगों को आखिरकार पता चलेगा और इनको निकाल के फिर हजरे अस्वद और मुकाम इब्राहिम इन दोनों के दरमियान जो जगह है ना यहाँ पर इनको लेके आएंगे और फिर लोग इनसे बैत करेंगे, इनको अपना खलीफा मुंतखब करेंगे। और उसके बाद एक रिवायत में यह भी मिलता है कि इनको बाकायदा तैयार किया जाएगा, जिस तरह दुल्हन को तैयार किया जाता है ना इस तरह से इनको तैयार किया जाएगा, उसके बाद फिर इनकी बैत की जाएगी। फिर एक लश्कर मुल्क शाम से चलेगा जो इमाम महदी की खिलाफत को चैलेंज करने के लिए आएगा, इमाम महदी की खिलाफत पर बगावत करते हुए निकलेगा। जब वो बैदा जगह पर आएंगे, एक खुला मैदान है, वहाँ पर आएंगे ना अल्लाह ताला ज़मीन को फाड़ के इन सब को ज़मीन के अंदर धंसा देगा। सहाबा इकराम ने पूछा अल्लाह के रसूल
ये बैदा का इलाका, ये तो एक रास्ता है, मेन शहरा जीटी रोड है, तो वहां से लोग भी गुजरते होंगे। ये आने वालों में कुछ लोग मुसाफिर होंगे, कुछ लोग मजबूरन साथ आ रहे होंगे, कुछ लोग उस इलाके के रहने वाले इस लश्कर को देखने के लिए आएंगे। क्या अल्लाह सबको ज़मीन में धंसा देगा? फरमाया हाँ, अल्लाह ताला सबको ज़मीन में धंसा देगा, लेकिन क़यामत को उनकी नियतों के मुताबिक अल्लाह उठाएगा और उनके साथ हिसाब किताब का मामला करेगा। जिसकी जैसी नियत होगी वैसा उसके साथ मामला होगा। लेकिन फिर इसके बाद अमन कायम हो जाएगा, इमाम महदी के खिलाफ बगावत करने वाला कोई नहीं उठेगा, बल्कि फिर मुल्क शाम के उलमा आएंगे, इराक के इलाके से उलमा आएंगे, चारों तरफ से हर इलाके से उलमा की जमातें आएंगी, इमाम महदी से मुलाकात करेंगी और फिर इनके हाथ में बैत की जाएगी। इमाम महदी रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जो सहाबा किराम रिवायात बयान करते हैं उनकी तादाद तकरीबन 37 है, 37। इनके अंदर चारों खुलाफा, जनाब बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जनाब उमर, जनाब उस्मान, जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी इन रवायात के रावी हैं। और अल्लाह के पैगम्बर की चार बीवियाँ सैयद आयशा, सैयदा हफ्सा, सैयदा उम्मे सलमा और सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, ये भी इन रवायात की रावी हैं। 37 सहाबा किराम ये रवायात बयान करते हैं और 28 के करीब अरबी ज़ुबान में स्पेशल किताबें जो सिर्फ इमाम महदी अलैहिस्सलाम के रज़ी अल्लाह ताला के बारे में लिखी गई हैं। बाकी जो दीगर ज़बानों में किताबें लिखी गई हैं उनकी तादाद बेशुमार है। तो लिहाजा ये समझिए कि ये अकीदा मुसलमानों का मुत्तफ़िका अकीदा है। आज कल अगरचे इसके बारे में शक किया जा रहा है और इसके बारे में तरह तरह की वो बातें अवाम में फैलाई जाती हैं, मजाक भी इसका उड़ाया जाता है, इसका इनकार भी किया जाता है, इसके लतीफ़े भी बनाए जाते हैं, तो अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो वो गोया कि मुसलमानों के अकीदे से इन्हराफ करने वाला है। अल्लाह ताला उसको हिदायत अता फरमा दे। इमाम महदी के बारे में हदीस से हमें जो बात मालूम होती है ना, वो ये कि बचपन से कोई इनका जहूर बचपन से नहीं हो जाएगा, ये आम इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह के नेक इंसान होंगे, समझदार इंसान हैं, लेकिन कायनात का खालिक व मालिक एक रात के अंदर इनको तैयार करेगा, इससे पहले इन्हें खुद पता नहीं होगा। इमाम महदी को पहले खुद पता नहीं होगा कि मैं इमाम महदी हूं। एक रात के अंदर सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं, और इस हदीस के रावी अबू सईद खुदरी भी हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के रसूल से जनाब अली ने सवाल किया, अल महदियो मिन्ना आइम्मतिल हुदा अम मिन गैरिना, अल्लाह के रसूल ये बताइए कि इमाम महदी हम में से, यानी कि हमारे ख़ानदान में से, हमारी औलाद में से होंगे या किसी और ख़ानदान में से आएंगी? तो पैगंबर कायनात ने फरमाया, बल मिन्ना कमा युख्तमुद्दीन, बल बिना युख्तमुद्दीन कमा बिना फतह रब्बुना, अली जिस तरह अल्लाह ताला ने इस दीन की इब्तदा हमारे ख़ानदान से की है ना, इस दीन का खात्मा भी अल्लाह ताला हमारे ख़ानदान से करेगा। यानी कि जब ये दीन लोगों के लिए अजनबी दीन हो जाएगा, उस वक्त भी इस दीन का प्रचार करने वाले, इस दीन का निफाज करने वाले वो मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह के ख़ानदान में से होंगे और वो महदी आएंगे। दूसरी रिवायत सैयद अली रज़ी अल्लाह ताला से मौजूद है, अल महदी मिन्ना अहलल बैती, इमाम महदी हम में से होंगे यानी अहले बैत में से होंगे, रसूलुल्लाह की नस्ल में से, अल्लाह के रसूल के ख़ानदान में से होंगे। युस्लिहुल्लाहु फी लैलतिन वाहिदा, अल्लाह ताला इनको एक रात में तैयार करेगा, एक रात में, उससे पहले इन्हें खुद पता नहीं होगा, लोगों को पता नहीं होगा। और आजकल जो दावे किए जा रहे हैं, वो एक कासम नामी बंदा उठा हुआ, जी मैं महदी हूँ, मेरे ख्वाब बड़े सच्चे हैं जी, पता नहीं कैसे कैसे ड्रामे उठ जाते हैं जी, वो गौहर शाही ने एक नया फितना डाला हुआ है जी,
अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे इन फितनों से, और लोग भी उनके भाई बारे में पेश गोइयाँ। और फिर अफसोस की बात यह है कि हमारे अहले हदीस चैनल चलाने वाले नौजवान जो अपने अलग अलग चैनल बना के बैठे हुए हैं, वो भी इनकी बातों में आके इनके इंटरव्यू करना शुरू कर देते हैं। भाई ये कच्चे ईमान की अलामत है। कहाँ लिखा है कि इमाम महदी के बारे में पहले पता चल जाएगा? एक रात में पता चलेगा बस, उससे पहले किसी को कोई पता नहीं होगा। अचानक उनका जहूर होगा। अल्लाह के रसूल की हदीसें वाजे मिल रही हैं और फिर ये शक का शिकार है। असल में ये वो लोग हैं जो दीन के इलम से नाबल्द हैं। अगरचे उनको मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर दिया गया, लेकिन दीन का पता नहीं है। आज वो मदारस पे भी अटैक कर रहे हैं, आज वो उलमा के बारे में बुरी बातें कहती हैं, और अपने चैनल बना के बैठे हुए कि हम बड़ा काम कर रहे हैं। जी अल्लाह तौफीक दे, काम अच्छा करते रहें, लेकिन जो कमियां हैं, जो कोताहियां हैं, अल्लाह उनको ख़त्म करने की तौफीक से भी नवाजे। इमाम महदी के जहूर के वक्त जो हालात होंगे, वो जैसा कि मैंने पहले बयान किया कि पूरी ज़मीन फितने फसाद से भर जाएगी, जुल्म उद्वान कत्लो गार से भरी होगी, और जुल्म की ऐसी मिसालें होंगी कि इससे पहले लोगों ने ऐसी मिसालें नहीं देखी होंगी। दूसरे नंबर पे इमाम महदी का जब दौर आएगा, यह खैर बरकत का दौर होगा। और तीसरे नंबर पे जिस दिन इमाम महदी का जहूर होगा ना, लोग उनसे बैत करेंगे, ये दिन बाकी आम दिनों से ज़्यादा तवील होगा, ज़्यादा लंबा दिन होगा, लोग इसको बाकायदा महसूस करेंगे। आम दिन उसकी नस्बत छोटे होंगे। और फिर ये भी याद रखें कि इमाम महदी के साथ जो लोग इनके लश्कर में होंगे, स्याह झंडे उनके पास होंगे। एक रिवायत में यह भी मिलता है कि इमाम महदी के पास तलवार होगी और उनके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक झंडा होगा, जो झंडा इससे पहले कभी नहीं खोला गया। यह झंडा इमाम महदी के पास अल्लाह पहुंचाएगा। कैसे पहुंचेगा यह अल्लाह को पता है। और जनाब सौबान रज़ी अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, वो बयान करते हैं, यक़्तातिलु इंदा कंज़िकुम सलासा कुल्लुहुम इब्नु खलीफा सुम्मा ला यसीरु इला हदिहिम सुम्मा तत्लु रायात असूत मिन क़िबलिल मशरिक फयक़्तातिलूनकुम क़त्लन लम यक़्तुलहु क़ौमुन फ़ैज़ा रई तुमूह फ़बाइह वलव हब वन अलसल जी फ़ैन न खलीफ़तुल्लाहिल महदी। इबन माजा की रिवायत है, किताबुल फितन के अंदर भी मौजूद है। यहाँ पर एक बड़ी हैरान कन बात हमें नज़र आती है इस हदीस के अंदर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि एक खलीफा, उसके तीन बेटे खाना काबा के ख़जाने पर लड़ाई करेंगे। खाना काबा के अंदर, बैतुल्लाह के अंदर ख़जाना होगा, उस ख़जाने पर एक खलीफा के तीन बेटे आपस में लड़ेंगे, और लड़ते लड़ते तीनों मर जाएंगे, कोई एक भी ख़जाना हासिल नहीं कर सकेगा। फिर इसके बाद मशरक़ के इलाके से, अब मशरक़ से इलाके से क्या मुराद है? इससे मुहद्दिसीन ने दो बातें बयान की हैं। अल्लाह के रसूल ने मदीना के अंदर बैठ के ये बात की थी, आपने मदीना के अंदर मशरक का इशारा किया, या तो मदीने का मशरक मुराद है और या दुनिया का मशरक मुराद है। अगर दुनिया का मशरक मुराद हो ना, तो फिर ये हमारा इलाका बनता है, मशरकी इलाका। और अगर मदीने का मशरक मुराद हो, तो फिर इराक का इलाका बनता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मशरक के इलाके से एक लश्कर आएगा, उनके पास स्याह झंडे होंगे और वो कत्लो गारत करेंगे। इस कदर कत्लो गारत होगी कि तुमने इससे पहले कभी ऐसी कत्लो गारत नहीं देखी होगी। असल में ये लोग हक पर होंगे और हक की खातर जंग करने वाले होंगे, हक की खातर जिहाद करने वाले होंगे। जब तुम इनको देखो, तो इनके इमाम की बैत कर लेना, इनके इमाम की बात मान लेना। फ़इन्नहु खलीफ़तुल्लाहिल महदी, क्योंकि उस लश्कर का इमाम वो अल्लाह का बंदा
खलीफा महदी होगा और उसकी बैत करना वलौ हब वन अलसल जी, तुम्हें बर्फ़ के ऊपर घसीट के भी, घिसल के भी आना पड़े ना, बर्फ़ के ऊपर तुम्हें फिसल के भी आना पड़े तब भी उसकी बैत कर लेना। अब यहाँ से मुझे एक बात बड़ी महसूस, अजीब महसूस होती है कि अरब के इलाके में तो इतनी सर्दी नहीं होती कि वहाँ पर बर्फ़बारी हो, बल्कि अरब का इलाका तो अपनी गर्मी में मशहूर है ना, सर्दी तो कम होती वहाँ पर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये फरमाया, अगर तुम्हें बर्फ़ के ऊपर घिसट के भी आना पड़े तब भी उसकी बैत करना, तो सहाबा इकराम कहाँ जानते होंगे बर्फानी इलाकों को, वो कैसे वाकिफ़ होंगे? अल्लाह के रसूल ने जो बर्फानी बर्फ़ की आपने पेश गोई फरमाई, यहाँ से मुझे ये महसूस होता है कि ये मौसम की तब्दीली इस कदर हो जाएगी कि जो गर्म इलाके वहाँ भी बर्फ़बारी शुरू हो जाएगी। और पिछले साल एक वीडियो वायरल हुई थी, पता नहीं सच्ची या झूठी है, कि मदीना तो रसूल के अंदर भी बकायदा बारिश हुई और बारिश के अंदर बर्फ़बारी हुई। बहरहाल ये अल्लाह ताला की हिकमत है, रसूलुल्लाह की हदीस से हमें ये इशारा मिलता है कि ये मौसमों की तब्दीली होगी, गर्म इलाके भी इतने ठंडे हो जाएंगे कि वहाँ भी बर्फ़बारी का मौसम होगा, वरना अरब के इलाके में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। बहरहाल इमाम महदी के आने के बारे में जो अहादीस मिलती हैं, जो पेशगोई अल्लाह के रसूल ने बयान की है, वो मैंने आपके सामने रख दी है। इमाम महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आने के जो हालात हैं, जिस वक़्त वो आएंगे, उनके आने से पहले कौन कौन सी अलामतें ज़ाहिर होंगी, उनके आने के बाद कौन सी अलामतें ज़ाहिर होंगी, ये तकरीबन 38 अलामात हैं, 38 अलामात। इन में से कुछ अलामतें जो ज़्यादा काबिल बयान हैं, वो मैं इंशाअल्लाह अगले खुतबे में बयान करूँगा कि इमाम महदी रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके बारे में जो अलामात, उनके आने के वक़्त के जो हालात हैं वो कैसे होंगे, ये तफसील के साथ इंशाअल्लाह बयान करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अकूल कौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन।